जिला अस्पताल की सेंट्रल पैथोलॉजी लैब यहां पर 99 प्रकार की जांच, वह भी 99.9%। क्वालिटी कंट्रोल के साथ हमारी टीम ने जिला अस्पताल पहुंचकर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन और बीएमओ के साथ सेंट्रल पैथोलॉजी लैब का दौरा किया। वहां जो भी जानकारी थी रीवा की जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात ऐसी मशीन की जांच जो आपको पहले ही बता देगी कि आपको टीबी होने वाली है, साथ ही डेंगू, चिकनगुनिया जैसी तमाम जांचें यहां पर होती हैं। कुछ जांचें ऐसी भी हैं जो पूरे शहर में नहीं होती। यहां तक कि संजय गांधी अस्पताल में भी नहीं होती। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भिन्न भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ मैं मौजूद हूं जिला अस्पताल में। हमारे साथ यहां सिविल सर्जन मौजूद हैं और आरएमओ आप भी मौजूद हैं। आज बात इनसे लेके होगी, जिला अस्पताल की सुविधाओं को लेकर होगी। हमें जो जानकारी मिली है यहां की पैथोलॉजी के बारे में कि संजय गांधी अस्पताल की भी कुछ जांचें इसी अस्पताल में होती हैं, इसका सीधा सा अर्थ है यहाँ की पैथोलॉजी कुछ ज़्यादा ही बेहतर होगी। हम इस बात के रियलिटी चेक भी करेंगे, पैथोलॉजी के अंदर भी आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे वहाँ का नज़ारा। सबसे पहले तो ये बताइए चलते हुए कि आपके अस्पताल में इस समय किस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो दीजिए, अच्छा, हाँ, हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय रीवा में इस वर्ष 26 जनवरी 2021 से मैंने सेंट्रल पैथोलॉजी जो लैब में वेट रिएजेंट लैब का इनॉग्रेशन उद्घाटन हुआ, उस दिन से हमारे यहाँ करीब 99 प्रकार की जांचें हमने व्यवस्था कराई हैं जो नियमित प्रतिदिन मरीजों को मिल रही हैं। इसमें से बहुत सारी जांचें ऐसे हैं जो हमें कोरोना में भी काम आई थी, जैसे डी डाइमर हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP होती थी और बहुत सारे हार्मोनल एनालिसिस हमारे यहाँ करीब करीब 23-24 प्रकार की हार्मोनल एनालिसिस होती है, कैंसर मार्कर होते हैं जो हार्मोनल एनालिसिस इवन संजय गांधी में भी नहीं होता, वो हमारे यहाँ। मैं रोकूंगा, मैं आ चुका हूँ इस समय सेंट्रल पैथोलॉजी लैब में। हमारे साथ यहाँ पर यहाँ के दो जिम्मेदार लोग लगातार मौजूद हैं। यहाँ पर जो भी जानकारियाँ हैं, जो भी जांचें होती हैं, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। जी, आपकी बात अधूरी रह गई। मैंने यहाँ सेंट्रल पैथोलॉजी लैब में हमने व्यवस्था बनाई है कि जैसे ही हमारे कैंडिडेट पेशेंट्स आते हैं उनका पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन का मैंने अलग से काउंटर बनाया है और कंप्यूटर में सारी चीज़ें इंट्री हो जाती हैं। इसके बाद फिर पेशेंट जो है हमारे कलेक्शन रूम में आ जाता है, वो भी एक अलग से है जिसमें हमारे 6 लैब टेक्नीशियन ब्लड कलेक्शन का काम करते हैं और लगभग 100 से 150 लोगों की ब्लड कलेक्शन प्रतिदिन होता है जो पैथोलॉजी जांच में विभिन्न प्रकार की जो डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं वो होते हैं। तो यहाँ हम आगे की बात मैं करूँ उसके पहले मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा। जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, ये इस समय जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है। साथ ही मैं एक चैम्बर के अंदर आ गया हूँ, यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा क्षेत्र सारी जाँचें, यहाँ पर सैंपल लिए जाते हैं लोगों के, सैंपल लिए जाते हैं और सैंपल लेने के बाद आगे की प्रक्रिया किस तरीके से समय से सैंपल लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद सैंपल लिए जाते हैं और गर्भवती महिलाओं की लाइन अलग है। गर्भवती महिलाओं के लिए हमें अब विशेष सुविधा दे रखी है कि उनको कतार में ना आना पड़े और उसके बाद महिला और पुरुष की अलग कतार है। ये बड़ी बात है, जिला अस्पताल की एक बड़ी बात है, इसको सबको जानना चाहिए। वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए कोई भी लाइन नहीं है, सीधे आएं, सीधे अपनी जांच कराएं और सीधे चले जाएं। ये महिलाओं के लिए खास तौर से बड़ी सुविधा। जी, आप क्या कह रहे थे, वो जाँचों के बारे में बताइए जो जाँचें अमूमन संजय गांधी अस्पताल में नहीं होती। हमारे यहाँ हार्मोनल ऐसे करीब 22-23 प्रकार के जिला चिकित्सालय में होते हैं जो नहीं हमारे, लगभग संजय गांधी अस्पताल से 8 से 10 पेशेंट डेली आते हैं हार्मोनल एनालिसिस के, जैसे थायराइड हैं व अन्य हार्मोन की जांचें हैं उनके जांच कराने के लिए। हम लोग विधिवत उनका जांच करवा देते हैं और जांच करा करके उनको रिपोर्ट सौंप देते हैं कि अपने कंसर्न डॉक्टर जिनको उन्होंने कंसर्न किया तो उनको रिपोर्ट जाके प्रस्तुत करें, दिखाएँ। हार्मोनल जाँच, आप आगे, हार्मोनल जाँच यहाँ पर जो होती है वो संजय गांधी अस्पताल में भी नहीं होती। ये संजय गांधी अस्पताल के बारे में मैं अपने दर्शकों को बता दूं,
प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे चिकुनगुनिया कक्षा है, पैथोलॉजी लैब है। चिकुनगुनिया इस बीमारी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये डॉक्टर साहब जरा यह समझाइए, डॉक्टर साहब जरा यह समझाइए चिकुनगुनिया, पहले तो चिकुनगुनिया के बारे में बताइए। चिकुनगुनिया एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है, डेंगू चिकुनगुनिया। चिकुनगुनिया में बुखार के साथ साथ जोड़ों में दर्द होता है और पेशेंट को हाई डिग्री टेम्परेचर रहता है, साथ में कभी कभी रैसेज भी बॉडी में आ जाते हैं। तो हम उनकी चिकुनगुनिया टेस्ट भी यहाँ हमारे लैब में उसकी सुविधा है। इसके अलावा डेंगू की जाँच होती है हमारे इसी लैब में। और डेंगू जैसा आपने देखा होगा कि भारतवर्ष में कई शहरों में जहाँ मच्छर पनपते हैं उनमें डेंगू के लक्षण आते हैं, उनकी भी हम अपने यहाँ जांच सुविधा उपलब्ध। चिकुनगुनिया की भी जांच होती है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ लैब के अंदर और दिखाता हूँ वहाँ पर किस तरीके की मशीनरी रखी, किस तरीके का यहाँ पर इंतज़ाम है। ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय जो देख पा रहे होंगे, ये बड़ी खतरनाक बीमारी चिकुनगुनिया और डेंगू। डेंगू का प्रकोप तो इस समय अभी हालांकि नहीं है, जब ये बारिश के पानी के बाद जब वो पानी इकट्ठा होता है, जो गर्मी में जो पानी कूलर और तमाम उन चीज़ों से ये डेंगू जैसी बीमारी होती। जी डेंगू कैसे? डेंगू साफ़ पानी में लार्वा डेवलप होता है और ज़्यादातर ये गर्मी के सीज़न में, गर्मी और मॉइस्चर भरे सीज़न में जब डेंगू के लार्वा आते हैं उस समय स्थिति गंभीर हो जाती है। कई महानगरों में तो काफ़ी गया, पिछली बार भोपाल में था, तो इसकी हमने अलग से एक सेपरेट यूनिट है और सेपरेट यूनिट में क्या है, डेंगू की बराबर जांच होती है और कोई भी समस्या आती है तो जैसे पेशेंट के सिम्टम। डेंगू काफ़ी खतरनाक बीमारी, साफ पानी पर होता है, ये मॉइस्चर की वजह से होता है। डॉक्टर साहब और कोई बता रहे थे? मैं यहाँ इस डेंगू चिकुनगुनिया कक्ष में एक और स्पेशल जांच करवा रहा हूँ जिसके बारे में बता रहा हूँ, एगैरा टेस्ट। ये टीबी के मरीजों के, जिनके घर में टीबी के मरीज होते हैं, तो हम मरीज के अलावा उनके परिवार में भविष्य में किसी को टीबी होने वाली है उसकी जांच हम एगैरा टेस्ट से करवा के उसका कि आपको आगामी आने वाले समय। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, टीबी होने वाली है, इसका मतलब पहले से हमें जांच करके हम पता लगा लेते हैं। ये अपने दर्शकों को मैं बता दूं, ये रीवा का जिला अस्पताल है जिसके बारे में कहा जाता था कि हाँ वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। देखिए दो बड़ी चीज़ें मैंने अपने दर्शकों को अभी तक बताई। पहली, महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कोई लाइन नहीं, किसी तरीके की लाइन नहीं, आएँ सीधे जाँच कराएँ चले जाएँ। दूसरी, टीबी अगर किसी को होने वाला तो उसकी जानकारी हम पहले से ही ले लेते हैं, ये है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कमाल, एगैरा टेस्ट। तो हम इसके द्वारा फिर उनके परिवार में, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम 2025 में ट्यूबरकुलोसिस का उन्मूलन करेंगे, उस कुल लक्ष्य को पाने के लिए हम ये प्रयासरत हैं, कोशिश में हैं कि वो लक्ष्य शासन अचीव करे। 25 में हम टीबी मुक्त भारत की कल्पना जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की है, हम उसको लेकर काम कर रहे हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके के हम लगातार इंतज़ाम कर रहे हैं उससे निकट भविष्य में तमाम तरीके के मरीजों को फ़ायदा मिले। लेकिन ये काफ़ी बड़ी बात है जिला अस्पताल के लिए, तो मैं नहीं कहूँगा, मैं पूरे रीवा शहर के लिए कहूँगा कि टीबी की होने वाली अगर आपको, तो यहाँ आप जाए, जरा भी आपको शक है कि आपको टीबी होने वाली है, यहाँ आइए जाँच कराइए, आपको पहले से पता चल जाएगा। ये इस तरीके की सारी वो जांचें जो बड़े अस्पताल में नहीं होती, जैसे रीवा के संजय गांधी अस्पताल के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, वहाँ कुछ जांचें नहीं होती, वो भी हम करते हैं। जिला अस्पताल में जो भी ताज़े घटनाक्रम हैं, जो भी ताज़े अपडेट होंगे, जो भी यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी उसके बारे में भी हम यहाँ, हमारे साथ दो जो खास शख्स मौजूद थे, हम इनसे लगातार बात करते रहेंगे और आप तक पहुँचाते रहेंगे। कुछ और आप बता रहे थे, एक छोटी सी चीज़ कुछ और रह गई है तो आप उसको लेकर भी हम बातचीत कर लेते हैं। जी मैं एक लैब में और आ गया हूँ, ये एक बड़ी लैब यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये डॉक्टर साहब यहाँ पर किस तरीके की जांचें होती हैं? ये देखिए सारी मशीनें लगी हुई हैं और इन मशीनों के द्वारा हम सारी एमिनो एसे एनालाइजर लगा हुआ है, हमारे हेमाटोलॉजी लैब के लिए उसका एनालाइजर लगा हुआ, कोयागुलोमीटर का लगा हुआ है और बायोकेमिस्ट्री के लगा, सारी चीज़ें हम मैनुअल कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि हाथ से कुछ आपका सैंपल आया, हमने सीधे मशीन में डाला और उसकी जो पैरामीटर्स हैं वो हमें आ जाते हैं। मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा, आप देख रहे होंगे आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय एक कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, साथ ही यहाँ पर कुछ
तरह तरीके के सैंपल दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ नहीं करना है, सारा काम मशीन करेगी। जैसे यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा एमलाजी लैब और ये सब, ये सारी चीज़ें हैं, इसकी ज़रूरत नहीं डॉक्टर। ये सारा आप अपने देख रहे होंगे आपके टीवी स्क्रीन पर, ये सारा काम यहाँ पर हाथ से कुछ नहीं किया जाता, सारा का सारा काम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है, ऑटोमेटिक तरीके से होता है, मैनुअल कुछ नहीं करते हम, हाथ से कुछ नहीं करते। इसीलिए हमारी एक्यूरेसी डॉक्टर साहब एक्यूरेसी के लगभग 99% या 100% नहीं 99.9% है, क्योंकि इसकी हम एक्यूरेसी वहाँ से भी क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस सेंटर वहाँ से भी कंपेयर करते हैं। हम कुछ सैंपल वहाँ भेजते हैं, वहाँ से रिपोर्टें आती है, हमारी रिपोर्ट एग्जैक्ट सही निकलती है, एग्जैक्ट सही निकलती है क्वालिटी कंट्रोल में। हाँ आप क्या कह रही थी, क्वालिटी कंट्रोल में कैसे क्या? डेली अपन क्वालिटी कंट्रोल लगाते हैं, जो भी पैरामीटर एरर्स आते हैं उनको कैलिब्रेट करते हैं, डेली कैलिब्रेशन कंट्रोल डेली करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल पर हम खास ध्यान रखते हैं, 99.9% हमारी एक्यूरेसी है इस लैब की। इस तरीके की लैब अमूमन आपको मैं रीवा में तो कहीं नहीं, साफ तौर से बता रहा हूँ अपने दर्शकों को, रीवा में कहीं नहीं, हालांकि अगर प्रदेश में बात की जाए तो कुछ जगह छोड़कर इतनी सारी सुविधाएं बहुत कम जगह देखने में मिलती हैं। ये रीवा जिले की, रीवा के जिला अस्पताल की एक बड़ी उपलब्धि। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त, तो देखते रहिए विंद भारत।